नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके माता पिता, आपके परिजन बहुत ही खुशहाल अवस्था में होंगे। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके माता पिता, आपके परिजन हमेशा खुश रहें। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो संजय में। दोस्तों, मैं आज एक जो टॉपिक लेकर के आया हूँ आप सब के बीच में, आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वह है सपने में टीचर को देखना। जी हाँ दोस्तों, टीचर जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है उनका हमारे लाइफ में। जब हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं तो उसके बाद जो टीचर होता है वही हमारी चीज़ों को सही करता है और हमारी जो आगे की जो लाइफ होती है उसको डिसाइड करता है। तो दोस्तों, क्या होगा कि अगर वही चीज़ अगर आपको सपने में दिखाई दे, अगर टीचर आपके सपने में बार बार आता है या आपको सपने में टीचर दिखाई देता है, तो इसके क्या अर्थ हो सकते हैं, यह शुभ होगा या अशुभ होगा? आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह बताना चाहूंगा कि जो भी सपने हम एक से अधिक बार या बार बार देखते हैं तो उस सपने का कुछ न कुछ अर्थ होता है। वह सपना जरूर हमें कोई पॉजिटिव या तो फिर निगेटिव रिस्पॉन्स देगा, तो यहाँ पर हमें सपनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सपने में कोई जातक या जातिका अगर देखते हैं कि कोई उनका टीचर है या कोई अध्यापक है, उन्हें पढ़ा रहा है, उन्हें उनका अच्छी चीजें बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो यह सपना जो होता है बहुत ही पॉजिटिव सपना होता है। यह सपना आपको बताता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं प्रॉब्लम्स में हैं, कहीं आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और उस समय आपको अगर ऐसे सपने आते हैं तो जरूर यकीन मानिए आपको यहाँ पर एक रास्ता नजर आएगा जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सपने में कोई टीचर को अगर देखता है, खास करके अगर टीचर उन्हें पनिश कर रहा है, उन्हें मार रहा है, तो यह सपना जो होता है आपको बताता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, किसी गलत रास्ते पर हैं जिससे आपको इसका भोग दंड मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं चाहिए, आपको अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। सपने में यदि आप टीचर को देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आप टीचर को देखते हैं, या तो फिर आप अपने बचपन के टीचर को देखते हैं, तो यह सपना आपकी पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को दर्शाता है। आपको बताता है कि आपके अंदर कोई ऐसी छुपी हुई क्षमता है, छुपी हुई कोई ऐसी कला है जिसको आपको बाहर लेकर आना है और आपको उसको निखारना है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि ऐसी रोचक जानकारी उन्हें भी मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए सपने की सीरीज में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।